प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कृतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय जीवन का उद्देश्य पर दिया गया है। असंख्य जन्म लेने के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला तो अस्तित्वं चतुरं चैव लक्ष्यं त्वां जीवजातिषु ब्रह्मद्वीर पुरुषम प्राप्यम तेषाम आत्माभिमानिनां वराकानां अनाश्रित्य गोविंद चरणद्वयम्। 80+4=84 अस्तित्वं चतुरं चैव लक्ष्यं लाख जीवजातिषु शरीर बदलने पर 84 लाख योनियों में चक्कर काट के मनुष्य जन्म पर हमने मनुष्य जन्म पाया। तदपि अबलताम जाता फिर भी वरा का नाम मूर्ख लोग वरा का नाम अनाश्रित्य आश्रय नहीं लेते। गोविंद चरण द्वयम गोविंद भगवान के दो चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं कौन? मूर्ख लोग। कभी 84 लाख योनियों में अनंत बार चक्कर काट काट के जब मनुष्य में जन्म मिलता है तो मनुष्य जन्म में भी मूर्ख लोग भगवान के दो चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं और बुई हुई मूली की तरह 84 लाख योनियों के चक्कर काटते रहते हैं। इनको मूर्ख बोलते हैं। तो अस्तित्वं चतुरं चैव 84 लाख योनियों में भटकते भटकते लटकते हमने ये मनुष्य जन्म पाया फिर भी मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण गोविंद के दो चरणों का आश्रय नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मूर्ख स्टूपिड गधे है निकृष्ट मनुष्य रूपेण मुर्गा आचरंती मनुष्य के रूप में वो प्राणी है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री गोविंद के दो चरणों का आश्रय नहीं लेते। मनुष्य जीवन मनुष्य शरीर की डिजाइन रचना भगवान ने एक उद्देश्य से की है और वो उद्देश्य है ये मनुष्य शरीर में हम श्री कृष्ण को समझें ये भौतिक संसार को समझें और भौतिक संसार जो दुखदायी है उसमें से हम कैसे मुक्त हो जाए दुखदायी भौतिक संसार से हम कैसे मुक्त हो जाए वो कार्य करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन मनुष्य शरीर की रचना भगवान ने किस उद्देश्य से की? इस उद्देश्य से की कि जब मनुष्य शरीर से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा पूजा अर्चन करें तब ही हम सुखी आनंदित संतुष्ट पुष्ट रुष्ट हो सकते हैं। ध्यान दो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही मनुष्य जीवन में सुख शांति
संतुष्टि मिल सकती है, और जो भी करोगे सुख मिलने वाला नहीं है, क्षणिक चपल सुख मिलेगा लेकिन ज्यादातर टिकेगा नहीं। कोई भी चीज ले लो, बच्चे नहीं है दुखी, बच्चे हो जाए दुखी, बच्चे भी दुखी माँ बाप भी दुखी, उनकी शादी करने की चिंता, पढ़ाने की चिंता, पढ़ाया बेटा 25 साल तक पढ़ा पढ़ा के पंडित किया, बेटी 25 साल पढ़ा पढ़ा के पंडित की, कोई वर राजा कोई कन्या आएगी हाईजैक कर जाएंगे, आप दुखी दुखी रह जाओ, हाईजैक नहीं कर जाएंगे तो आपको हाईजैक करवाना पड़ेगा, बेटी होगी तो बेटा अभी आप वहां की हो जा, यहां तोड़ वहां जोड़, और बेटा होगा तो बहू आएगी ऐसी, आजकल तो बहुत आजकल की बहू बेटे को हाईजैक कर जाएगी, है ना, ये दुख, बेटा नहीं बेटी नहीं दुख, और जब हो तभी दुख, और उन लोगों को तलाक हुआ, सिकनेस हुई, प्रसूति हुई, जो भी हुई उनमें भी लगे रहो, ऐसा सब कुछ नानक दुखिया यहाँ नहीं चलता है, नानक दुखिया सब संसार पंजाब, सो सुखी जिन नाम आधार, नानक देव कहते हैं सब संसार में दुखी है, सब दुखी है, लेकिन सुखी वो है जिनको नाम का आधार है, कृष्ण के नाम का आधार है, वो सुखी है। तो मनुष्य शरीर की डिजाइन भगवान ने ऐसी की है कि यहां दुख ही दुख और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सुखी कौन हो सकता है, कुंती महारानी कुंती वो हर हालत में सुखी रही, राज्य गया सुखी, राज्य आया सुखी, वन 14 साल 12 साल वन सुखी, राज्य आया तो दुखी हो गई कुंती, राज्य मिला दुखी हो गई, क्यों क्यों दुखी हो गई, क्योंकि भगवान तुरंत प्रस्थान करने को जा रहे थे द्वारिका, दिल्ली से द्वारिका, हस्तिनापुर से, तो भगवान को कहती है कि हे भगवान हमें ये नहीं चाहिए राजपाट, हमें दुखी सही था, क्योंकि दुख में आपके दर्शन होते रहते थे, विपद संतु तत् शाश्वत, हमें शाश्वत काल विपद विपदा आती रहे, विपद संतु तत् शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु कृष्णा हमें विपदा आती रहे, क्यों, भविता दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम, क्योंकि विपदा में आपके दर्शन आते रहते हैं, आपके दर्शन हमें होते रहते हैं, विपद संत तत् शाश्वत, हमें शाश्वत विपदा आती रहो, क्यों, भविता दर्शनम यस्या, क्योंकि विपदा में आप दौड़े हुए भागे हुए भक्तों की सहाय करने के लिए चले आते हो, अभी तक आप यहां रहे क्योंकि हमें विपदा थी, राज नहीं था, दुर्योधन की सारी कन्नड़गत, दुर्योधन का रात, तो उसमें आप हमारे साथ रहते थे, जब राजपाट आ गया सुख हो सुख आ गया आप प्रस्थान करने लगे, इसलिए हमारे ऊपर दुखी दुख हो, क्योंकि
दुख में आपके दर्शन हो जाते हैं, आप भक्तों की सहायता के लिए भागे दौड़े हुए आते हो, लेकिन सुखी भक्त के पास भगवान नहीं जाते क्योंकि सुखी है वो, उनको जरूरत नहीं है, और दुखी होते हैं उनके पास भगवान दौड़े हुए आते हैं, है ना। सूरदास वृंदावन जा रहे थे, बड़ा कुआ है बीच में, और सूरदास थे आंखें अंधी और कुएं में गिरने ही वाले थे, दुख आने ही वाला था, भगवान तुरंत प्रकट हो गए कन्हैया के रूप में और उनका हाथ पकड़ के कुआं से उस पार ले जाके हाथ छोड़ दिया, क्योंकि अभी सुखी हो गए, दुख तुरंत आ गए और आगे रास्ता दिखाए, सुखी हो गए, भगवान भाग गए। तो सूरदास कहते हैं, हाथ छुड़ा कर जाते हो निर्बल जान हो ही, मुझे निर्बल समझ के आप हाथ छोड़ छूट के, अभी तो पकड़ा हाथ लेकिन अभी, लेकिन सबल तभी जानो जब मेरे हृदय से आप हृदय छोड़ के जाओ, हाथ छोड़ के जाओ तो सही है लेकिन हृदय छोड़ के जाओ तो मैं समझूं कि आप बहुत बलवान हो, आप बलवान हो, मैं निर्बल हूँ और आप बलवान हो। तो दुख में भगवान भागते हुए आते हैं और सुख में, तो इसलिए क्वीन कुंती कहती है हमें दुख चाहिए, उनकी शुद्ध भक्ति करने के लिए ही मनुष्य जीवन मनुष्य शरीर की रचना भगवान ने की है, बाकी का जो भी करोगे दुखी होंगे, बाकी का जो भी करोगे क्या होगे, पैसा कमाओगे दुखी होगे, शादी करोगे बर्बादी होगी, बच्चे करोगे दुखी दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, ओछे वत्ते सब दुखी लेकिन सुखी हरि का दास। तो कोई मन दुखी, मन से दुखी, टेंशन डिप्रेशन और हजार उपाधियां मन में होती है, कोई मन दुखी कोई तन दुखी, पैरालाइज मैया बिचारी, कोई कसूर नहीं था, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी, प्लास्टिक की कुर्सी टूटी, और भगवान ने मनुष्य शरीर की रचना एकमात्र उद्देश्य से की है, यहाँ यह एक कर्म भूमि बोलते हैं, पृथ्वी स्वर्ग कर्म भूमि नहीं है, नरक कर्म भूमि नहीं है, एक कर्म भूमि है, और यहाँ कर्म जो भी हम करेंगे उससे हमें स्वर्ग या नरक या भगवान मिलेंगे, विकर्म नरक, पुण्य कर्म स्वर्ग एंड अकर्म भक्ति भगवान, दुख नहीं, भगवान की भक्ति में दुख नहीं, स्वर्ग में दुख, इंद्र को दुख होता है, इंद्र का मृत्यु है क्या नहीं है ना, वो राजा है स्वर्ग का राजा, उनको भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अरे ये तो बात छोड़ो, हर हर पल उनको दुख रहता है, कोई अश्वमेघ यज्ञ करेगा क्रतु सत क्रतु, इंद्र बन जाएगा मेरी पोस्ट छीन लेगा, दुख रहता है उनको। दूसरा कुछ भी करोगे यहाँ कर्म भूमि में दुखी मिलेगा, चाहे छोटा सा चप्पल सुख हो जाए, सिगरेट पी इतना सुख मिल गया, बाद में क्षय हुआ, तंबाकू खाई इतना सुख मिल गया, कुछ हो गया, छोटा सा सुख मिलेगा लेकिन छोटा, लेकिन भक्ति में अनन्य भक्ति में आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदा पूर्णा अमृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजय थे श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। भगवान की भक्ति करने से क्या वर्धन होता है, क्या वर्धन होता है, आनंद आनंद वर्धन है,
बुद्धि ने अंबुदी, अंबुदी मीन सागर, आनंद आनंदाम बुद्धि वर्धनम, अंबु दी आनंद रूपी सागर का वर्धन होता है, लहरें आती है। किससे? भगवान श्री कृष्ण की ही। देवी देवताओं की नहीं, देवी देवताओं की भक्ति से आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। देवी देवता माननीय है, पूजनीय है, लेकिन भक्ति एक ही, भक्ति किसकी? कृष्ण की। देवी देवताओं की भक्ति से क्या मिलेगा? दुख। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधशाम देव यदो यादि यान्ति मध्याजिनो किमाम। देवों को पूजने वाले देवों के पास जाएंगे, मुझे पूजने वाले मेरे पास आएंगे। देवों का दिया हुआ फल कैसा होता है? अल्प, नश्वर। और वो देवी देवताओं का फल लेने के लिए, देवी देवताओं की भक्ति करने कौन जाता है, कौन करता है देवी देवताओं की भक्ति? हाँ, अल्प मेधशाम का अर्थ है बुद्धू का बाप। जो बुद्धू का बाप हो वो देवी देवताओं की, भगवान कृष्ण को छोड़ के देवी देवताओं की पूजा करते, तो वो कैसे है? ये आपका ग्रंथ भागवत गीता है, आपका धर्म पुस्तक धर्म ग्रंथ है, और उसमें लिखा है अल्प मेदशा अनंतवत्तु फलम तेषा। देवी देवताओं का दिया हुआ फल अंत वाला होगा, फलम तेषा तदभवती अल्प मेदशा। बुद्ध लोगों का बुद्ध, इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर की डिजाइन एकमात्र उद्देश्य से की है। वो उद्देश्य कौन सा है? देवी देवताओं की भक्ति में क्या मिलेगा? दुख, दुख मिलेगा। लगता है सुख लेकिन दुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर वहां भी रहेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति अहि त्रयि धर्म अनुप्रपन्न गतागतम काम कामा। तो आप ऐसा करो, 22 घंटा जो भी करना है करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, पत्नी पति बच्चे बिजनेस या कुछ भी जो करना है कर्म करो, लेकिन 2 घंटा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। 8% समय आपके लिए, भगवान के लिए, सारे भौतिक जगत के लिए निकालना है। कितना? 8% टाइम। कौन निकाल सकता है यहाँ 8% टाइम? 1, 2, 3, 4 आप नहीं, आप नरक में जाना चाहते हो? आप नहीं, नरक, नरक में जाना, नरक, नरक मफत, मफत में भगवान जाए ना, 16 मालाएं जाए, नहीं तो फिर दुख, दुख ही दुख। हम नहीं, आपको श्राप नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये भौतिक जगत की डिजाइन ही ऐसी भगवान ने की, डिजाइन ऐसी ही की। हुमायूं किस काल पर बेटा था? बाबर, बाबर को मार दिया सम्राट है, बाबर की क्या था, भारत का सम्राट औरंगजेब, ओके औरंगजेब, इतिहास में भूल गई, मैं भूल गई इतिहास, औरंगजेब को खत्म है, तो ये राजा आखिर सारे भारत का एक चक्रवर्ती चक्रवर्ती चक्रपति राजा, उनको क्या दुख होना चाहिए? दुख होना चाहिए, उनके ही बेटे ने, ये दुख नहीं है। ये सारा संसार ऐसा है, अब कुछ भी देख लो, ये शरीर ही दुखों का कारण है। दूसरा वाक्य आपको सिखाता हूँ, बोलिए,
मनुष्य शरीर ही दुखों का कारण है। अब आप देख लो, आपका कोई भी दुख हो उनका कारण क्या है, आपने भूल कर ली, समझ लिया कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मनुष्य शरीर हूं, ये भूल ही आपके दुखों का कारण है। मैं आत्मा हूं, आत्मा सनातन है, आत्मा संपूर्ण ज्ञानमय है, आत्मा संपूर्ण आनंदमय है, जिनकी हमें खोज है, आनंद की खोज। तो मेरा लेक्चर है YouTube में, क्रतु क्रतु करके लेक्चर की सारी यू कैन डाउनलोड दैट, यू कैन हियर दिस क्रतु दास लेक्चर्स, क्रतु प्रभु लेक्चर्स .com ऑल्सो है, क्रतु प्रभु लेक्चर्स .com। क्या बोलो, सुनते रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ। उसमें आनंद की खोज नामक एक सीढ़ी है, आनंद की खोज बुद्धि, ये मनुष्य शरीर ही दुखों का कारण है। जैसे एक सुंदर स्त्री हो और सुंदर स्त्री को मैं गाली दूं, यू अगली रेचेड ब्लैक ओल्ड लेडी गिरा रही है, तो तुरंत चप्पल उठाएगी ना, मुझे पिटाई करेगी ना, क्यों करेगी, वो समझ रहे मैं शरीर हूँ और मैं ओल्ड हूँ, मैं अगली हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं रिचर्ड हूँ, मैं रिंकल हूँ, उनके शरीर का वर्णन उनका कहाँ है, लेकिन वो समझ रहे मैं शरीर हूँ, इसलिए उनको दुख हो रहा, लेकिन वो समझे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सुंदर हूँ, सनातन हूँ, फुल ऑफ नॉलेज हूँ, मैं ब्लिस हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं अगली नहीं, मैं ओल्ड नहीं हूँ, मैं रिंकल ब्लैक नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आनंदमय अभ्यास आत्मा, मेरा स्वभाव ही आनंद है, आत्मा का स्वभाव ही आनंद है, आनंदमय अभ्यास वेदांत सूत्र, आत्मा आनंदमय है। इसलिए ये मनुष्य शरीर हम समझ बैठते हैं, इसलिए हमें दुख लगता है, कोई भी दुख, खान पान नहीं मिलेगा, शरीर को नहीं मिलेगा, आत्मा को खान पान की क्या जरूरत, तो दुख शरीर को, मर जाऊंगा, आत्मा न जायते न मरियते कदाचिन, कभी भी आत्मा मृत्यु होने वाला, लेकिन शरीर का मृत्यु है, तो मरने का दुख, मरने का डर क्यों हमें है, क्योंकि हम समझ रहे हैं शरीर, कोई भी दुख ले लो आप, कोई भी दुख, नौकरी 8 घंटा जाना है, दुख, जाना पसंद नहीं करता, लेकिन नौकरी नहीं जाऊंगा तो पेट शरीर, तो शरीर के लिए नौकरी का 8 घंटे का दुख, कि आत्मा के लिए, शरीर के लिए, कोई भी दुख, आपको क्या दुख है बता दीजिए मुझे, उनका कारण शरीर ही होगा, आप बताइए, किसी को कोई दुख है इधर, इनको दुख है हाथ का, मुझे बता रहे थे, आशीर्वाद बन जाएगा आपका काम, लेकिन हाथ का दुख है, रात को नींद नहीं, दुख और इतना दर्द और सब कुछ, तो क्यों दुख है, हाथ शरीर है या आत्मा, शरीर का दुख है ना, कोई भी दुख ले लीजिए, आपकी गाड़ी बैंग हो गई तो गाड़ी का दुख आपको, शरीर का दुख आपको, जिसमें आ सकती उनको उनका दुख आपको, बेटी में आ सकती माँ बाप को दुख आ सकती, जिनमें भी आ सकती, हमें शरीर में आ सकती है, इसलिए सबसे बड़ा दुख है शरीर का, अगर शरीर में हम अनासक्त हो जाए, असंग शस्त्र न दृढ़ न चित्वा, अनासक्ति रूपी शस्त्र से हम ये भौतिक संसार की जड़ें काटे, काटो, काटना, अनासक्ति, नो आसक्ति, तो सुखी हो सकते, तो पहली आसक्ति हमें है शरीर में, और हम शरीर नहीं है, तो शरीर ही दुखों का
हमारे दुखों का कारण क्या है। अब कुछ भी दुख ले लीजिए, उनका अंत देखोगे शरीर, उनके दुख का अंत क्या देखोगे शरीर। आत्मा नहीं, आत्मा आनंदमय अभ्यासात, और हम आत्मा हम शरीर नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं, एक पति है एक पत्नी है, तो पति पत्नी का पति मर गए तो वो रो रही है, मेरा पति चला गया। और उनके पति का सब उनके सामने पड़ा है, तो उनका पति कौन था जो चला गया, जिनके लिए वो रोती है, शरीर आत्मा या दोनों। शरीर तो उनके सामने पड़ा है तो रोने की क्या जरूरत है, शरीर नहीं तो आत्मा, दो ही तो सवाल है। और दूसरा सवाल है, वो उनका पति दोनों था, शरीर और आत्मा, क्या दोनों था, आत्मा था शरीर था या दोनों क्या था? ये सही जवाब है ना, आत्मा। अगर शरीर था तो रोने की जरूरत क्या है, और शरीर था तो उनको दफनाने की जरूरत क्या है, उनको 5-10 घंटे में जला देगी, जलाने की क्या जरूरत है। और इतना ही नहीं, मैं सॉरी टू से, बंगड़ी चूड़ी तोड़ देगी, है ना, वो नहीं तोड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण क्या करेंगे, भाई आपका अभी नाता खत्म हो गया, क्या अभी आप ये आसक्ति छोड़ो, आपका जो शरीर था वो आपके पास है, आत्मा चली गई, वो आत्मा से आपका कोई नाता नहीं है, अब ये शरीर से भी नाता नहीं, उनको शरीर को भी अभी आगे चलाओ। और चूड़ी क्या करती है, ब्राह्मण लोग तोड़ते हैं, वो तो खुद नहीं तोड़ती, क्योंकि आसक्ति है, दुख है, बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ब्राह्मण क्या करते हैं, तोड़ देते। तोड़ने का मतलब क्या, आसक्ति तोड़ो। तो फिर से, उनका पति कौन था, आत्मा शरीर या दोनों, उनका पति कौन था, हा? तो क्या ये सत्य नहीं है, कि असत्य है। तो ये आत्मा के स्तर पर आप लोग क्यों नहीं रहते, हम ये शरीर नहीं है, तो आपका सारा दुख जीरो, देह स्मृति नहीं यार, संसार दुख गेलोता। जिनको देह स्मृति नहीं है उनका संसार का दुख चला गया, नो संसार दुख। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो यार दुखो नहीं, जीव कृष्णदास कर ले तो यार दुखो नहीं, लेकिन जीव शरीर दास कर ले दुख ही दुख। सब दुखों का कारण क्या है, तो दूसरा स्लोगन, सब दुखों का कारण क्या है, लेकिन अगर ये शरीर को दिव्य शरीर बना लो, ये शरीर से भगवान की सेवा में लगा दो, भगवान की सेवा में जोड़ दो, 8 घंटा काम करने के बाद भगवान को 10% आमदनी का 10% निकाल के दो, तो आपका नौकरी की बिजनेस दिव्य बन जाएगा, क्योंकि भगवान में जुड़ा रहेगा वो बिजनेस, नौकरी, घर में सुंदर मंदिर बनाओ, और भगवान को जो भी किचन में से पक के आता है उनको पहले भगवान को भोग लगाओ, तो भोग खाने पर आपका शरीर दिव्य हो जाएगा। यू आर व्हाट यू ईट। ये बच्चे हैं तीनों, इनको हम 3 महीना खाना ना दें तो बच्चे क्या होंगे, बड़े होंगे या छोटे होंगे, क्यों, क्योंकि उनका शरीर जो खाता है उनसे बनता है, उनका शरीर किससे बनता है, खाते हो, यू आर व्हाट यू ईट।
तो प्रसाद खाएंगे बच्चे, 7 साल में आपके शरीर का हर कोष बदल जाता है, आपका शरीर 7 साल में कंप्लीटली दूसरा हो जाता है, हर सेल इज रिजुविनेटेड। तो 7 साल खाली प्रसाद ही खाओ और कुछ न खाओ तो आपका शरीर क्या बन जाएगा? दिव्य, दिव्य प्रसाद, यू आर व्हाट यू ईट। जैसे कोई बूढ़ा है, बूढ़ा 90 साल का, वो खाना छोड़ देगा तो उनका शरीर चमड़ी और हड्डी एक हो जाएगी, है ना, एक हो जाएगी। और अगर बूढ़ा खाने लगे तो उनका शरीर, तो जो भोगने लगाएगा वो कौन है? इतना ही नहीं, और कुछ भगवान कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्ट चिन्ह संतो मुंचते सर्व किल भी सही भुजनते ते अघम पापा। वो घोर पापी है, क्या है? घोर पापी एंड सबसे बड़ा चोर। चोर क्यों? सब कुछ भगवान ने ग्रेन फैक्ट्री में, चावल राइस दाल और गेहूं फैक्ट्री में पकते हैं, कौन पकाता है? मनुष्य पका सकता है? मनुष्य उनको पैदा कर सकता? अहम बीज पद पिता, भगवान पकाते हैं। बारिश कौन बरसाता है? भगवान बरसाते हैं। अन्ना दोति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, अन्ना दोति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्र चक्र, भगवान ने बनाया इसलिए भगवान को अर्पण करना चाहिए। अन्न किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान का दिया हुआ हमें भगवान को देना चाहिए। हड़प कर जाते हैं तो चोर। आपकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में आके मैं ले जाऊं तो चोर। आपने पैदा किया, फैक्ट्री पैदा की, सब कुछ पैदा किया आपने, सब कुछ फैक्ट्री में पैदा किया, मैं आपकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन लेके भाग जाऊं ट्रक में, मैं चोर, क्योंकि मैंने पैदा नहीं किया। इसी तरह राइस, गेहूँ, चावल, दाल किसने पकाई, किसने बनाई? भगवान ने। भगवान का दिया हुआ भगवान को अर्पण करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं। वो कौन है? और वेरी गुड, फिर से, चोर पापी, चोर पापी, चोर पापी, महाचोर पापी। तो ये सब बहुत सिंपल ये भक्ति है, और कितनी सरल है, कितनी सरल है। अन्यथा ये जगत आपके लिए दुखदाई, हर पल आपको दुख मिलेगा। भौतिक जगत की रचना भगवान ने किस उद्देश्य से की? तीसरा स्लोगन, भौतिक जगत की रचना भगवान ने टेढ़े मेढ़े जीवों के लिए सुधार करने के लिए की। सरल भाषा में भौतिक जगत की रचना भगवान ने टेढ़े मेढ़े जीवों को दुख देने के लिए की। जैसे उदाहरण, जेल राजा क्यों बनाता है? जो चोर लुटारू होते हैं, नलायक होते हैं, उनको जेल में डाल के दुख दे के उनको सुधारेंगे, सुधार हो जाएगा बाद में वापस। तो यहाँ भौतिक जगत की डिजाइन जेल की तरह है, जेल। तो भौतिक जगत में यहाँ जीव क्यों आता है? सुधार के लिए। सुधार क्या है? भगवान उन्मुख हो जाए। जीव विमुख है भौतिक जगत में दुख से, जीव भगवान उन्मुख हो जाए, भगवान की भक्ति करने लगे। तो भौतिक जगत की डिजाइन भगवान ने क्यों की? ऐसी बद्ध देव ने सुधारने के लिए। बद्ध जीव कब सुधरता है? कैसा सुधार, क्या सुधार है? है उनकी भक्ति करें। भक्ति क्या है? 16 माला डे, हरे कृष्णा, तो ये सेवा करने पर आपको भगवान का प्रेम मिल जाएगा।
जो जिनकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। कुत्ते की सेवा हम करेंगे तो कुत्ता हमें प्रेम करेगा, कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण हमें, तो कृष्ण की सेवा क्या है, मुंह से और जीभ से क्या, हरे सोलह माला डे। तो कृष्ण प्रेम किसको चाहिए, हाथ खड़ा कीजिए, आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपको, आपको नहीं चाहिए, तो सोलह माला हरे कृष्ण मंत्र की कौन करेगा, हाथ खड़ा कीजिए, मफत में चाहिए आपको, मफत लाल, सब मफत लाल है, ऊपर वाले वेरी गुड वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। सोलह माला है जी, ये भगवान की सेवा है। फिर से ये भौतिक जगत की रचना भगवान ने जीवों के सुधार के लिए की है, सुधार मार मार के भगवान करते हैं, दुख देके करते हैं, माया, भगवान कृष्ण तो दुख नहीं देते, माया दुख देती है, दुर्गा दुख देती है, और दुख क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये भगवान ने हमें भगवान की सेवा करने का ये मनुष्य जन्म में मौका दिया, तक दी, भगवान की सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा है हरे कृष्ण महामंत्र की सोलह माला। सोलह माला करोगे भगवान की सेवा है, सेवा करोगे भगवान की तो उनका प्रेम मिलेगा। तो भगवान का प्रेम किसको चाहिए, किसको चाहिए, मफत में चाहिए, तो हरे कृष्ण मंत्र की सोलह माला कौन करेंगे, आपको मफत में चाहिए, आपको नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, तो भौतिक जगत में आपको चार चीजें मिलेगी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग। कितनी बार चाहिए, कितनी बार मिलेगा, हाँ 84 लाख मल्टीप्लाई बाय अनलिमिटेड। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम भगवान की सेवा करके यहाँ से छटक सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। सोलह माला है और प्रसाद ऑफरिंग। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? नहीं चखो मत, पहले उतरे आपके चूल्हे से, उतरे तुरंत भगवान के सामने, भगवान के सामने रख लिया तो एक सेकंड लगती है, कितना लगता है, तो बाद में अगर कोई झटपट करता है तो दे दो, नहीं करता है तो 5 मिनट रुक जाए, भगवान भोग लगा ले 5 मिनट में, बाद में दो, वो नहीं कर सकता, थोड़ा 5 मिनट शुरू करो तो जल्दी खाना पकाना, 5 मिनट थोड़ा जल्दी शुरू करो, तकलीफ है हाँ, फिर ठीक है, तो भोग लगाओगे ना, हाँ झूठा हो जाएगा तो आप, आपके ऊपर भगवान टूट पड़ेंगे, झूठा करोगे तो टूटेंगे, झूठा मत करो, भगवान पहले कि आप पहले, तो कहाँ है, नहीं जल्दी जल्दी नहीं, 5 मिनट जल्दी शुरू करो, 5 मिनट पहले शुरू करो, ठीक है। और कोई सवाल, यस, पिटाई खाने के लिए हमने मनुष्य जन्म क्यों लिया, मैंने कहा मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो सेवा होती है हरे कृष्ण 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 बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यस। लेकिन भगवान को तो पता है, मतलब भगवान को तो सब कुछ पता है ना, यस। आदमी जन्म लेने के बाद कई पाप करता है तो भगवान उनको जन्म क्यों देते हैं, भगवान को सब कुछ पता है तो आदमी पाप करता है तो भगवान उनको जन्म क्यों देता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये पाप नहीं करेगा, मेरी सेवा करेगा,
लेकिन वो भूल जाता है अंदर माता के गर्भ में मनुष्य क्या प्रार्थना करता है, भगवान मुझे ये जंजाल ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में से बाहर निकालो, मेरी टांगे ऊपर हैं सर नीचे हैं और बराबर टाइट हूँ और 9 महीना तक मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी अविरत सेवा करूँगा, नाम जप करूँगा। जैसे बाहर आता है भूल जाता है, माया के चांगुल में आ जाता है, नहीं आना चाहिए, भगवान के भक्त नहीं आते चांगुल में, लेकिन बद्ध जीव भूल जाता है कि मैंने प्रार्थना की थी और छोड़ देता। तो मत करो, हम कहाँ सिखाते हैं कि क्रिश्चियन मुस्लिम और हिंदू अलग अलग है, हम तो कहते हैं आत्मा है। मैंने कहा मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई कसाई, हम मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर है, हम आत्मा हैं और मनुष्य की डिजाइन भगवान ने, तो मुस्लिम मुस्लिम की ओर से भक्ति कर रहे हैं और क्रिश्चियन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन क्रिश्चियन शुद्ध क्रिश्चियन होना चाहिए, हिंदू भक्त शुद्ध भक्त होना चाहिए, शुद्ध और क्रिश्चियन भी शुद्ध होना चाहिए। क्रिश्चियन में पहले कमांडमेंट है थाउ शैल नॉट किल, थाउ शैल नॉट योर लेबर, दे किल स्लॉटर हाउसेस एवरी कॉर्नर, वेयर इज क्रिश्चियन, हु इज क्रिश्चियन, जीवन दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, ये 3 साड़ी और धर्म नाही सनातन, ये धर्म है जीव पर दया। मुस्लिम भी लेफ्ट एंड राइट हलाल, क्या हलाल, हलाल कर दिया खुदा ने खा लिया क्या, जीवे ने दया। हमारे हिंदू लोग भी खाते हैं, कत्ल करते हैं, काली को चढ़ाते हैं, लेकिन काली को तो एटलीस्ट चढ़ाते हैं और वो जीव वापस, जब काली को चढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं ये जन्म में मैं आपको मारता हूँ, दूसरे जन्म में आप मुझे मारोगे जितने आपके शरीर पर बाल है उतनी बार मुझे मारोगे। हिंदू धर्म में ये मंत्र है, ये मंत्र पढ़ के आप कत्ल करते हैं, एटलीस्ट दया का भाव थोड़ा सा तो कभी ना कभी तो आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मुस्लिम हो तो शुद्ध मुस्लिम बनो, कोई मजहब नहीं सिखाता कि कत्ल करो, है ना। शुद्ध वैष्णव, हम वैष्णव हैं, हम शुद्ध वैदिक धर्म पालन करते हैं, तो वैदिक शुद्ध धर्म पालन करने वाले जीवों पर दया करते हैं, कभी भी हम मीट फ्री सेक्स। तो कहने का मतलब है वी डोंट हेट द सिनर बट वी हेट द सिन, हमें हिंदू हमें मुस्लिम और क्रिश्चियन से कोई द्वेष नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि सब आत्मा है, सब आत्मा। मुसलमान की दाढ़ी काट दो, हिंदू की शिखा काट लो या उनकी चमड़ी उतार लो, हिंदू राइट बंगाल में हुआ था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब सब एक जगह, सब मीन्स मृत देह एक जगह, और एक जगह जब मृत देह थे तो कौन हिंदू कौन मुस्लिम, जला दिए। शरीर मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, अपीयरेंस हिंदू मुस्लिम सिख हो सकता, आत्मा, मैंने तो आत्मा से शुरू किया कि हम सब आत्मा है और 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। डोंट हेट एनीबडी, लेकिन डोंट थिंक दैट अवर हिंदू रिलीजन इज लेस देन अदर रिलीजन, दिस इज बिग बिग प्रॉब्लम। वैदिक संस्कृति वेदा अनादि काल से चले आए हैं, सनातन धर्म है, क्रिश्चियन मुस्लिम 3000 साल 2000 साल पहले, तो सनातन धर्म है और वो भी अंत सनातन धर्म में ही मिलेंगे और सनातन धर्म में से ही
जीसस क्राइस्ट ने बाइबल बनाया, मोहम्मद पैगंबर ने कुरान बनाया। उनकी उनके दो छोटा सा कुरान, उनका छोटा सा हमारी वेद कुरान इतिहास बड़ी डिक्शनरी है, उनकी छोटी डिक्शनरी है। डिक्शनरी वो भी है लेकिन हमारी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, उनकी छोटी डिक्शनरी पॉकेट डिक्शनरी, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन कम है और यहाँ इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए हमें हमारा वैदिक धर्म का अभिमान होना चाहिए। मैं क्यों क्रिश्चियन बनूं, मेरा इतना सुंदर धर्म है, वेद पुराण इतिहास वेदांत सूत्र वेदांत वेद उपनिषद श्रुति श्रुति पंचरात्र रामायण महाभारत 18 पुराण 18 उपपुराण वास्ट वैदिक लिटरेचर। तो जो हिंदू धर्म वैदिक धर्म छोड़ता है, वैसे तो हिंदू मुसलमान भी वैदिक वेदों में से ही है, जैसे आप देखोगे परीक्षित महाराज, पांडव कौरव, आगे अमरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, करोड़ों साल पहले की बात, प्रहलाद महाराज, दुरु महाराज, सतयुग, सारा वैदिक धर्म चलाता है वैदिक। उन लोगों का इतिहास 3000 साल ज़्यादा ज़्यादा, फिर भी हम उनको सम्मान करेंगे। हिंदुओं में भी वैदिक संस्कृति में भी कोई सिख बना, कोई सत्ता बना, कोई जैन बना, कोई कहीं बना, बुद्ध बना, सब हिंदू वैदिक, और भी बनेंगे। अभी बाबा बन रहा है कोई, कल्कि बन रहा है कोई, बापू बन रहा है, कई बन रहे हैं, लेकिन वेद हमारे शास्त्र इंटैक्ट रहेंगे। उसमें जो भगवान की बात की है वो भी सनातन रहेगी और ये शास्त्र से हमारा धर्म टिका रहेगा। इसलिए इस्कॉन शास्त्रों का बहुत बड़ा प्रचार, अभी खाली दिल्ली ने 6 लाख भगवद गीता का 1 महीने में वितरण किया, 6 लाख एक दिल्ली, सारे विश्व में कितनी करोड़ गीता भागवत का वितरण, तो एक शास्त्रों का वितरण कर, इसके ऊपर धर्म टका है। धर्म वैदिक धर्म सनातन धर्म किसके ऊपर टिका है? शास्त्र पर। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि वाप न सुखान न पराम गति। इंटरफेथ सवाल है, तो इंटरफेथ चर्चा के लिए कुछ और समय निकालेंगे। और कोई सवाल? यस, मेरा सवाल है कि कई लोगों का मानना है इस दुनिया में कि भगवान के रूप सही है लेकिन असल भगवान एक ही है। वो कौन है? एक मिनट, नाम क्वेश्चन नहीं हुआ मेरा पूरा। तो जो कृष्ण का असली भक्त होगा तो पूछेगा, तो बोलेगा कि कृष्ण भगवान असली भगवान है, उनके कई रूप है। लेकिन जो शिव भगवान का भक्त होगा वो कहेगा कि शिव भगवान असली भगवान है और उनके कई रूप होंगे। तो मुझे पूछना है कि असली भगवान है कौन? भगवान एक है, वो है कृष्ण। वो कैसे हम कहेंगे? शास्त्र, साधु और गुरु, ये तीनों का प्रमाण होना चाहिए। शास्त्र कहें कृष्ण भगवान है, साधु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी वगैरह, निरासुर कहें कि कृष्ण ही भगवान है, शास्त्र कहे कृष्ण भगवान है और गुरु कहे कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान होता है। समझ में आए? तो शास्त्र में लिखा है वन गॉड, वो है कृष्ण। पढ़ो शास्त्र में, भगवद गीता आपका शास्त्र है। मत परतरम नान्यत, मेरे ऊपर कोई देवी देवता मेरे अंश है,
सब कुछ लिखा है भगवत गीता। अकेले संभालते नहीं, उनको संभालने की जरूरत नहीं होती, ये लंबी कहानी है। भगवान यहाँ संभालने नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर आपके घर में संभालने आता है, लेकिन वो वहाँ बैठा बैठा संभालता है। अगर मम्मी ने आपको जहर खिला दिया तो उनका पुलिस, उनका जज, कोर्ट सब कुछ पकड़ेगी आपको, है ना? लेकिन कराता कौन है? प्राइम मिनिस्टर, राजा, है ना? भगवान वहाँ बैठे बैठे भौतिक जगत में संचालन करते, खुद नहीं आते। हाँ, ये मुसलमानों ने हिंदू शब्द दिया हमें, सिंधु, सिंधु के उस पार जो है वो सारे सिंधु है, हिंदू है, सिंधु हिंदू। लेकिन शास्त्रों में हमें भारतीय कहते हैं, भारत। कई कई करोड़ों साल पहले भारत, भरत राजा थे, ऋषभदेव के पुत्र, उनके नाम से भारत शब्द, तो हम भारतीय हैं। हिंदू ये शब्द शास्त्रों में नहीं है, भारतीय। और कोई सवाल? मैं जवाब देता हूँ आपसे, आपसे जवाब निकलवाता हूँ बाद में। पहले ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार कौन है? कुमारी कौन है यहाँ? ब्रह्मा कुमारी कौन है? ब्रह्मा कुमारी कोई नहीं है, तो जवाब दीजिए। ब्रह्मा कुमारी कुमार का शास्त्र क्या है? कोई है शास्त्र? कोई शास्त्र है? उनके कोई शास्त्र है नहीं। ओके, सब कुछ, सब कुछ ब्लफ। क्या है? ब्लफ। और ब्रह्मा कुमारी कहेगी उनके हस्बैंड को क्या कहती है? ब्रह्मा कुमारी, ये ब्रह्मा कुमार है, मेरा भाई है। कौन है? कौन है आपका हस्बैंड? आपका भाई होता है क्या? सफेद पहनेंगे दोनों, क्या पहनेंगे? कुमार और कुमारी। कुमारी मीन्स नो चाइल्ड एंड कुमार मीन्स नो सेक्स, है ना? ये हमारी वैदिक संस्कृति नहीं है। हमारी वैदिक संस्कृति ये है कि पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी भाई बहन नहीं होते। वो क्या कहते हैं? थोड़ा ज्ञान होना चाहिए आपको, क्या कहते हैं? कुमारी और कुमार। तो आपकी, आपकी बेटी है तो नहीं, अगर है आपकी बेटी तो क्या कुमारी आप रखोगे, शादी करवाओगे? तो ये उन लोगों का धर्म है, बिल्कुल नॉनसेंस, बिल्कुल नॉनसेंस। और उनका शिव, वो शिव नहीं तो शंकर हम कहते हैं। उनका शिव कौन है? कोई निराकार बिंदी, बिंदी ज्योति। शंकर को भगवान नहीं कहती, वो जो पार्वती के हस्बैंड है वो उनका शिव नहीं है। बोगस रिलीजन, रिलीजन मीन्स दे हैव टू हैव धर्म पुस्तक विच इज ऑथोराइज बाय अदर साधुज एंड गुरुज। कोई भी रिलीजन हो उनका धर्म पुस्तक होना चाहिए, और वो धर्म पुस्तक सब रिलीजनों के साधु महात्मा, गुरु महात्मा उनको एंडोर्स करें कि यस ये शास्त्र है, तभी उनका शास्त्र शास्त्र बनता है। तब तक सब बोगस है। Don't get into all this kind of nonsense. ये सब nonsense है, nonsense. कुमार कुमारी बिल्कुल nonsense. आप, आपकी बेटियां हैं तो क्या कुमारी रखोगे आप उनको? हाँ, कुमारी रखोगे? हाँ,
हिंदू हमारे वैदिक धर्म में हर एक स्त्री को शादी कंपलसरी है और वो उनका सौभाग्य बोलते हैं, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य कि उनका पति है वो उनका सौभाग्य है। कुमारी स्वच्छंदता प्रोस्टिट्यूशन बढ़ जाएगा और भगवान ने गीता में कहा है जायते वर्ण संकर प्रजा, वर्ण संकर प्रजा बनेगी। अधर्म है और जो भी इन अधर्मों में जाएगा उनका सत्यानाश हो जाएगा। क्या है बोलिए? आपने कहा था कि कृष्ण भगवान असली भगवान, मतलब असली भगवान है, तो आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि दूसरे भगवानों की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं तो डायरेक्ट ही कह रहा हूँ कि दूसरे भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, खाली पूजा एक ही होती है वो कृष्ण है, करने भी नहीं चाहिए और का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण में सारी देवी देवताओं का वास है। कृष्ण इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, भगवान कृष्ण सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान कृष्ण नहीं है। समझ में आए? श्री कृष्ण सब कुछ है लेकिन सब कुछ भगवान कृष्ण नहीं, सब कुछ भगवान नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण सबके मूल है, देवी देवताओं का, मनुष्यों का, दानवों का, दैत्यों का, सबका मूल कृष्ण है। मूल में पानी डालने से सारा पेड़ तृप्त हो जाएगा, फूल फल पत्ते, लेकिन पत्तों को पानी डालोगे तो सारा पेड़ तृप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण जड़ है, मूल है, उनकी सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। समझ में आए? नहीं, वो देवी देवताओं की होती है, भगवान कृष्ण की नहीं। भगवान कृष्ण की पूजा करने से सबकी हो जाती। हाँ, गो माता की, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सबके मूल स्रोत है। समझ आए? और कोई मूल नहीं है, सृष्टि का मूल कृष्ण है। हम सर्वस्व प्रभव, कृष्ण से सब कुछ उत्पन्न होता है, किसी और से नहीं। हरे कृष्ण।